अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के पैटीज। इसकी तरकीब कुछ इस तरह से है कि दो आलू मैंने लिए हैं, उबले हुए हैं, 2 घंटे पहले मैंने उबाले थे इनको, दरमियाने आलू हैं, और 2 ही अंडे हैं ये उबाल लिए मैंने। चिकन ली है क्रश की हुई उबली हुई, ये 1/2 कप है। शिमला मिर्च आधी ली है मैंने, ये बारीक काट लिए मैंने। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच हैं। नमक 1/2 चम्मच लिया है। 1 अंडा है और 5 से 6 स्लाइस ली है मैंने, इनके साइड के हिस्से मैंने काट लिए हैं। तो हम एक बाउल में अंडे आलू डालकर इनको मैश करेंगे। ये शिमला मिर्च इसमें शामिल करेंगे, चिकन भी इसमें शामिल कर लेंगे हम, और ये नमक और मिर्च है ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, और इनको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेंगे हम तमाम चीज़ों को। और ये मिक्स हो गई हैं। इसमें हम मायनीज डाल रहे हैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब, और इसको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई फरमाइश तो वो भी हमसे कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पूरी हो। ये देखें ये तैयार हो गया है। अब हमने पानी लिया है 1 कप के करीब, और ये स्लाइस इसमें हम हल्का सा डिप करेंगे, ज़्यादा डिप नहीं करेंगे, स्लाइस टूट जाएगी। बिल्कुल हल्का सा डिप करेंगे और इसको प्रेस करके इसका पानी निकाल देंगे। स्लाइस को पानी में डिप करने का मकसद ये है कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ऑयल अपने अंदर जब्स ना करें। अगर हम पानी में स्लाइस को डिप नहीं करेंगे तो स्लाइस ऑयल ज़्यादा अपने अंदर जब्स कर लेगी और ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो इसीलिए हमने इसको पानी में डिप किया है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने डाल के इसमें मिक्सचर को, और इसको यूँ फोल्ड कर लिया हमने, और आप चाहे जिस शेप में बना लें। हमने इसको इस तरह से गोल किया है, आप चाहें तो रोल की मदद भी कर सकती हैं, रोल की मदद से भी कर सकती हैं। और ये देखें ये अंडे को हम फेंट लेंगे और इसमें डिप करके इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह हम सब बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ये तमाम बन चुके हैं, और अंडा हमने फेंट लिया है, 1 पिंच नमक डाला है इसमें, ऑयल हमारा गर्म है, और इस तरह से हम इसे डीप फ्राई करेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। ये आप टी टाइम पे भी बना सकती हैं, या जब दिल करे बच्चों की फरमाइश पे भी बना सकती हैं। तो अब ये जब एक तरफ से सीख जाएंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे। इनको पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, हल्के फ्लेम पे बनाएंगे हम इन्हें। ऑयल की कंडीशन आपको दिख रही होगी कि मैंने कितना फ्लेम किया हुआ है, तो इसी तरह बहुत हल्के फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। ये देखें एक तरफ चेंज कर दिया है मैंने इसी तरह से। अब ये सीख जाएंगे, फिर हम इसे आपको निकाल के दिखाएंगे। ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम प्लेट पे टिश्यू लगा के इसको निकाल लेंगे। ये देखें
इस तरह से हम चमचे को साइड में कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसका। और ये इस तरह से हम इसे सारा निकाल लेंगे। और ये देखें कितने प्यारे बने हैं, ये कितना शानदार कलर आया है, देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक की